फ्रेंड्स, मोबाइल मैनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर और आज मैं आपके लिए कुछ कंप्यूटर के ट्रिक्स लेके आया हूं। अभी मैं अपने स्कूल के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हूं, यहां मैं पढ़ाता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के कुछ ट्रिक्स के बारे में। वैसे ये खास नहीं है, कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अमेजिंग है, जो भी है अमेजिंग है और काफ़ी अच्छा है ट्रिक्स। और ये पांच ट्रिक्स हैं ये और पांचों ज़बरदस्त है फ्रेंड। हो सकता है इसमें से एक दो आपको पता हो, लेकिन मैं एक दो की गारंटी लूँगा कि एक दो और ट्रिक्स तो आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उस ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी वीडियो या किसी भी कंप्यूटर से या कंप्यूटर या मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इन ट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। पहला ट्रिक्स है फ्रेंड कि आप हमारे जो कंप्यूटर में माई कंप्यूटर में ड्राइव्स होते हैं, सी डी एंड ई ड्राइव्स, तो हम उन ड्राइव्स को उन ड्राइव्स को हाइड कैसे कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो वो ड्राइव्स शो नहीं करते, तो उन ड्राइव्स को हम कैसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड है कि हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को हाइड कैसे कर सकते हैं, फिर हाइड कर अगर वो हाइड है तो उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं। अगर फ्रेंड हमारे फ्रेंड का कोई कंप्यूटर ऑन है, सपोज डेट मान लीजिए, तो अगर उसने आपको ऑन करके वो कंप्यूटर दिया है तो आप उस कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे ब्रेक कर सकते हैं बिना उसे बताए। आपको पासवर्ड पता नहीं होगा, फिर भी आप उसका पासवर्ड बदल सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड टास्क बार जो होता है कि ये इजी है कि टास्क बार का कलर कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। फिर भी हम बात करेंगे कि टास्क बार का लोकेशन कैसे चेंज करते हैं और टास्क बार में जो क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं नीचे, उसे कैसे छोटा करते, कैसे स्मॉल करते हैं और हाइड कैसे करते हैं टास्क बार को। ओके, जैसे कि आपकी स्क्रीन की लुक थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, आइकन्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं। फिर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और दिखाऊँगा कि उस फोल्डर का आइकन हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उस फोल्डर को हाइड भी कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई और वीडियो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपको नहीं पता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा बना करके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। का स्वागत है फ्रेंड मोबाइल मैनिया में, और मैं आपको आज चार पांच चीज़ों के बारे में बताने वाला था कि कंप्यूटर के कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए आज हम उसी के बारे में आप फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी हेल्प कर सकती हैं कुछ भी करने में। तो चलिए कमाल की ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में जो ड्राइव्स होते हैं लाइक सी डी ई, हम उसे कैसे हाइड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम फोल्डर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, फिर टास्क बार को कैसे हाइड कर सकते हैं, उसका लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर अगर किसी फ्रेंड का, हमारे फ्रेंड का कंप्यूटर ऑन है, उसने हमें लॉगिन करके मतलब ऑन करके दिया है, तो हम उसके पासवर्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद आइकन को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करिए और मैनेज को ओपन करिए। मैनेज को ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैनेज ओपन हो जाएगी तो इसमें आपको स्टोरेज और डिस्क डिफ्रेगमेंटल दिख रहा होगा, तो दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटल पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके ड्राइव्स लोड हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, तो यहाँ आपका सी डी ई एंड एफ ड्राइव शो कर रहा है। फिर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देखिए यहाँ सारे ड्राइव शो कर रहे हैं। चलिए इनमें से किसी एक ड्राइव को हाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड ई ड्राइव को हाइड करते हैं। तो चेंज ड्राइव लेटर एंड पैड पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक करते हुए, और रिमूव पे क्लिक करना है। रिमूव पे क्लिक करने के बाद यस कर दीजिए। अब ये थोड़ी देर में रिमूव हो गया। आप फिर से हम जाके चेक करते हैं, देखिए यहाँ हमारा ड्राइव ई ड्राइव जो है वो गायब हो चुका है। अब अगर हमें उसे फिर से वापस लाना है तो हमें उसी प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ से ड्राइव चूज़ कर लीजिए। आप बहुत सारी कैटेगरी हैं, कोई भी ड्राइव चूज़ कर सकते हैं जो आपको लेटर पसंद हो, और उसे चूज़ करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। और ये आपका ड्राइव ऐसे शो कर रहा है फ्रेंड, जाकर हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा ई ड्राइव फिर से वापस आ गया है। तो चलिए इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरे ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है हाइड फोल्डर। तो आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं फ्रेंड। मैं क्या करता हूँ कि अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ। ओके, किसी भी फोल्डर को राइट क्लिक करके न्यू में जाएँ, एक फोल्डर को क्रिएट कर लें।
फोल्डर का मैं नाम समीर जी रख देता हूँ अपना नाम ही, और उसके बाद इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे आइकन को। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हाइड आइकन दिख रहा होगा आपको नीचे, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आइकन गायब। अब फ्रेंड इसे वापस कैसे लाए इस फोल्डर को, तो क्या करेंगे, किसी भी आप किसी भी विंडो को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर का या माई कंप्यूटर का, और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, फिर व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद डोंट शो जो है उसको शो कर दीजिए, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। देखिए फ्रेंड आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारा फोल्डर आ चुका है जो मैंने पहले से हाइड किया हुआ था, तो इसमें हम समीर ढूंढ लेते हैं। ये देखिए नीचे समीर शो कर रहा है, पर ये अभी भी हाईलाइटेड नहीं है तो अच्छे से नहीं दिख रही, तो फिर से हम वही प्रोसेस करके हिडन को हटा के देख सकते हैं आप। तो फिर ये फोल्डर हमारा शो कर रहा है, वापस सब कुछ वैसे ही कर देते हैं ताकि हाइड वाले फोल्डर हाइड हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा फोल्डर वापस आ चुका है। तो चलिए इसके बाद हम टास्क बार का लोकेशन और टास्क बार को हाइड करना सीखते हैं। टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे हम फ्रेंड, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो हाइड द टास्क बार, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई जैसे ही करेंगे आइकन हाइड हो जाएगा। ये देखिए टास्क बार नीचे हाइड हो जाएगा। लाना है तो फिर माउस को नीचे ले जाइए, अपने आप आपका टास्क बार शो करेगा। और यूज स्मॉल आइकन, ये देखिए इससे आपके टास्क बार के आइकन छोटे हो जाएंगे। अब उसको हटा देते हैं फ्रेंड वापस से, यूज स्मॉल आइकन्स को। उसके बाद करना हमें यह है फ्रेंड कि हम अपना एरिया चेंज करते हैं, हम लोकेशन चेंज करते हैं। लोकेशन चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं लोकेशन है जो राइट करके मैंने अप्लाई कर दिया, और ये राइट में आ गया। हम इसे वापस से सही कर देते हैं, बॉटम पे सिलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, वापस अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका पासवर्ड ब्रेक करना हो फ्रेंड। अगर ये पासवर्ड आप ब्रेक कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर लॉगिन हो, मैं आपको स्विच यूज करके दिखाता हूँ। फिलहाल ये शो नहीं करेगा, मैं पहले आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ कि मैंने जो लॉगिन किया हुआ है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ आपको दे रहा है चेंज योर पासवर्ड, रिमूव योर पासवर्ड, डैट मीन कि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है तभी वो चेंज। देखिए यहाँ भी करेंट पासवर्ड मांग रहा है, अगर आपको करेंट पासवर्ड नहीं पता तो आप कैसे ब्रेक करिएगा फ्रेंड, सोचिए। तो चलिए मैं इसे पे आपको आगे ट्रिक दिखाता हूँ एकदम सिंपली। मैं इधर से भी दिखा सकता हूँ पर ये आपको शो नहीं करेगी क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही। मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, फिर से हमें राइट क्लिक करना है और फिर से आपके सामने वही सारा विंडो ओपन होगा, लेकिन इस पर से हमें लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स पे क्लिक करना है। लोकल यूज़र और यूज़र पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये देखिए यहाँ KSPS शो कर रहा है, KSPS पे राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पे क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं फ्रेंड, आपका मर्जी है तो डालिए, मैं नहीं डालता और ओके कर देता हूँ। द पासवर्ड हैज़ बीन सेंट सेट। अब जाके हम फिर से चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड लगा है या नहीं लगा। तो देखिए यूज़र अकाउंट KSPS, और देखिए यहाँ चेंज योर अकाउंट नेम क्रिएट पासवर्ड, डैट मीन कि अभी इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, अब ये क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है तो हम इसे हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि पासवर्ड लग चुके, मैं पासवर्ड फिर से सेट कर रहा हूँ प्रोसीड। अब मैं यहाँ पासवर्ड लगा देता हूँ जो पहले थी, मैं वही पासवर्ड लगा रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा पासवर्ड फिर से वापस लग चुका है। जो भी आप चाहें इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है जो है आपका चेंज आइकन। तो चलिए मैंने जो अपना फोल्डर बनाया था मैं उसी का आइकन आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आइकन पसंद है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद कस्टमाइज़ में जाइए, लास्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड। कस्टमाइज़ में जाने के बाद सबसे नीचे का ऑप्शन जो है चेंज आइकन, उस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर बहुत सारे आइकन आपको अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद है कोई भी एक आइकन ले लें। अगर फ्रेंड आपको मान लीजिए कोई आइकन पसंद है तो उस पर क्लिक करके ओके कर लीजिए और अप्लाई करके कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कि समीर का जो फोल्डर था वो बदल चुका था। अगर कोई आप अपना फ़ोटो भी लगाना चाहते हैं फ्रेंड तो वो भी लग सकती है, वो .bmp फाइल सपोर्ट करती है, आप इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ट्रिक्स थे छोटे मोटे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो वो पूछें, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, बाय, थैंक यू अगेन।